हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए माता रानी का एक और लहंगा लेकर आई हूँ बनाकर। देखिए कितना प्यारा हमारा ये लहंगा बना है, और देखिए बनाना भी उतना ही आसान है और जल्दी से बनकर भी कंप्लीट होता है। ये पैटर्न देखिए हमने इस तरह से बनाया है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो हम लड्डू गोपाल जी की बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये सेम पैटर्न बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको और दूसरी डिज़ाइन में माता रानी का लहंगा बनाना है तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है, आप वहां से देखकर भी बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इस वूल का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए, और हम यहाँ पर 9 नंबर का हमने देखिए क्रोशिया हुक लिया है, इसी से हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाते। देखिए इसमें हम पहले लूप बनाएंगे इस तरह से, ये हमने लूप बनाया। अब हम इसमें चेन बनाएंगे, 17 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हमने चेन बनाई है। अब हम इसमें 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, देखिए 3 चेन एक्स्ट्रा ली है। तो अब हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया देखिए इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए 17 चेन हमने बना ली है। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम 1 चेन लेंगे, धागा लेंगे, 1 चेन हम नीचे से छोड़ेंगे और 2nd चेन में हम 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से हमने 2 बनाई। 1 चेन लेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, धागा लेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, 1 चेन छोड़ेंगे, 1 चेन नीचे से छोड़ेंगे, तो हमारे पास ये देखिए फिर से 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 चेन लेंगे, नीचे से 1 चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर देखिए एक हमारा डबल क्रोशिया, एक हमने जो 3 की चेन बनाई थी वो, तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 चेन है, इसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारे बन गए। यहाँ पर हमारे पास ये 6 बनकर आए हैं, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक एक चेन की हमारी कैपिंग है। तो अब हम इसमें देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाई है, जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम 2 बार बनाएंगे। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, ये देखिए हमने 2 बना लिए। अब फिर से 1 चेन लेंगे, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम देखिए यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे, 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम 2 बार। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पहली चेन में हम 1 बनाएंगे, दूसरी में हम 2 बनाएंगे और बीच में 1 चेन की हम गैपिंग रखेंगे। देखिए इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें 3 चेन फिर से बनाएंगे, 1 2 3 टर्न करेंगे, धागा लेंगे। देखिए हम यहाँ पर डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 हो गए। फिर हम ये वाला जो डबल क्रोशिया, इसके अंदर हम 2 चेन, 1 चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने देखिए इस तरह से बनाया, 1 चेन लेंगे, फिर देखिए हम 1 2 इनमें एक एक बार बनाएंगे, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। इस चेन में 1 बार बनाया, फिर से बनाया, नेक्स्ट चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और बनाए, देखिए इस तरह से।
यहाँ पर इस चेन के ऊपर हम एक दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ, दो यहाँ, बाकी में हम एक एक बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन टर्न करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर हम लास्ट में दो बनाएंगे। हर बार हमें इसी तरह से बनाना है, लास्ट में हम दो बनाएंगे। देखिए ये तीन हो गया, ये हमारा लास्ट है, तो इसमें हम दो बार बनाएंगे। दोनों साइड से हम लास्ट चेन के अंदर दो बार बनाएंगे और बीच में एक चेन की गैपिंग लेंगे। फिर से हम यहाँ पर एक एक बनाएंगे, एक बनाया, फिर से बनाएंगे दो, फिर से बनाएंगे तीन, और फोर्थ चेन में हम दो बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए जब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पर हमारा फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बढ़ेगा, जब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा, तो जो जिससे कि हमारा दोनों साइड से डबल क्रोशिया बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए पहले हमने यहाँ पर बढ़ाया, फिर हमने यहाँ पर बढ़ाया, उसके बाद हमने यहाँ पर बढ़ाया। इसी तरह से बनाते हुए हम इसके 12 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए एक दो तीन चार, फोर्थ राउंड पे हम हैं, इसी तरह से हम 12 राउंड और बना लेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखिए हमारे पास 13 डबल क्रोशिया है। यहाँ से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 राउंड में हमारे पास यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया है। और अब हम 13वें राउंड पे हैं, ये वाइट धागे का हमारा लास्ट है। तो देखिए हमने बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं जहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली थी। इस रो में हम डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाएंगे जहाँ पर हमने एक चेन ली थी। तो देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए 13 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और एक, ये 13 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारी एक चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 13 चेन है, 13 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 13वां राउंड है हमारा ये। देखिए इस तरह से बनाते हुए ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सिर्फ जहाँ पर हमने एक चेन ली है वहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमने इसमें यहाँ पे धागा कट किया है। देखिए इस तरह से अब हम इसमें नेक्स्ट धागा ज्वाइंट करेंगे, वो हम ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ग्रीन धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए हम दो चेन छोड़ेंगे, एक दो, और तीसरी चेन के अंदर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बन गया, दो, फिर से बन गया तीन। देखिए अब हम यहाँ पर दो चेन छोड़ेंगे, एक दो, धागा लेंगे और यहाँ पर हम तीन बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए इस तरह से एक दो चेन लेंगे, नीचे से दो चेन हम छोड़ेंगे, एक दो, और तीसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे दो तीन चार पाँच और एक ये छः। देखिए इस तरह से छः डबल क्रोशिया बनाया, दो चेन लेंगे,
फिर से नीचे हम यहाँ पर दो चेन छोड़ेंगे, एक दो और तीसरी चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया, तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये दो हो गया, फिर से बनाएंगे तीन, दो चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया दो, फिर से बनाएंगे तीन, दो चेन लेंगे, नीचे से हम दो चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम फिर से छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास देखिए चार चेन बची हैं लास्ट में, एक दो तीन चार, चार चेन हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट में दो चेन बनाएंगे, नीचे से दो चेन छोड़ेंगे, एक दो और थर्ड चेन में हम फिर से छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे दो, फिर से बनाएंगे तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, एक दो। देखिए छः डबल क्रोशे की हमारी ये कली बन गई है। अब हम देखिए यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे, धागा लेंगे और जो हमने यहाँ पर ये तीन चेन बनाई है इसके अंदर हम थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह जैसे हमारा यहाँ पर बना है सेम ऐसे ही हमारा देखिए यहाँ पर बना है। अब हम इसमें देखिए चेन यहाँ पर ये हम कलियाँ काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हमारी कली बनकर आई हैं। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाई हैं, टर्न करेंगे और धागा लेकर हम यहाँ पर फिर से छः डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से तीन चेन, दो चेन लेंगे। देखिए फिर से हमने यहाँ पर दो चेन बनाई है और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए ये तीन हो गया, दो चेन लेंगे और हम यहाँ पर फिर से ये छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पिछला राउंड बनाया है सेम वैसे ही हम ये राउंड भी बनाकर कंप्लीट करेंगे। छः डबल क्रोशिए की हम कली बनाएंगे, दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने छः डबल क्रोशिया बनाया, देखिए इस तरह से। फिर हम दो चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम छः डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था सेम ऐसे ही हम ये राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, ये दो राउंड हमने कंप्लीट किए हैं। अब देखिए आगे हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम सात चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाई है। अब हम इस सात जो हमने बनाई है और ये हमने छः डबल क्रोशे की जो कली बनाई है इसे थोड़ा सा अलग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें अंदर ये चेन दिखाई देगी जिसके अंदर हमने ये कली बनाई थी। यहाँ पर हम देखिए इस देखिए ये जो चेन है इस चेन के अंदर से इस तरह से डालेंगे और हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर हम इसे टर्न करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से लेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए ये सात हो गया, सात बार हमने बनाया। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक दो, धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया दो
तीन, तीन बार बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाई है। अब देखिए इस चेन को हम फिर से यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले ज्वाइंट की थी सेम प्लेस पर हम फिर से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसे सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। अब देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हम इसे यहाँ पर देखिए इस तरह से सात बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया फिर से बनाएंगे दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा इस तरह से ये हमारी कली बन गई। देखिए फिर से बनाएंगे, अब हम धागा लेंगे, अब हम यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर हम छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार बना लिया। अब हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर देखें इसे इस तरह से करेंगे, ये हमारा दिखेगी चेन और इस चेन के अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर इसे हम टर्न करेंगे और हम यहाँ पर सात बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः देखिए सात, सात बार हमने बना लिया है। देखिए इस तरह से फिर से हम इसे सीधा करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक दो तीन, दो चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार हो गया। अब हम इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम देखिए जहाँ पर हमने पहले ज्वाइंट किया था सेम प्लेस पर हम फिर से यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, देखिए इस तरह से टर्न करेंगे और इसमें हम फिर से सात बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार हो गया। धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर ये छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न बनेगा और बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हम देखिए धागा लेंगे और जो ये हमारी तीन चेन है इसकी हम थर्ड चेन में इस तरह से देखिए क्रोशिया हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, धागा लेंगे और इसे हम टर्न करेंगे। देखिए अब हम इसकी रोंग साइड में आ गए हैं, ये हमें सिर्फ राइट साइड में हम ये पैटर्न बनाएंगे, रोंग साइड हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर हम छः डबल क्रोशिए की कली बनाएंगे, एक दो तीन,
एक दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो हो गया, फिर से बनाएंगे तीन। ये देखिए इस तरह से तीन बन गया। अब हम दो चेन बनाएंगे, एक दो, दो चेन बनाई है, धागा लेंगे और हम यहाँ पर छह डबल क्रोशिया बनाएंगे। रॉन्ग साइड से तो हमें हर बार ऐसे ही बनाना है, छह डबल क्रोशे की कली, फिर दो चेन, फिर छह डबल क्रोशिया, फिर से दो चेन और छह डबल क्रोशे की कली। इस तरह से बनाएंगे हम पूरा राउंड। देखिए ये हमने छह बनाए, देखिए इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर एक दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम छह डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक दो तीन, दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट राउंड में हैं और यहाँ पर देखिए हम पहले हम यहाँ पर सात चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाई है। अब देखिए हम यहाँ पर ये देखिए दो, ये जो हमने बनाई है दो, इनमें से हम इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक दो, दूसरे के अंदर हम बनाएंगे, इसे हम इस तरह से अलग करेंगे तो यहाँ पर हमारी चेन दिखाई देगी। इस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरह से, फिर हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए सात हमने चेन बना ली है। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और इस जो हमने ये दो चेन बनाई है इसके अंदर हम छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक दो तीन, दो चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन। अब फिर से हम यहाँ पर सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन ली है और देखिए यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, जहाँ पर हमने पहले किया था वहीं पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से इसे हम फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम सात बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार किया है। धागा लेंगे और हम ये जो छः डबल क्रोशिया है इन्हें बनाएंगे, छः डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट, सॉरी ये हमारा पैटर्न बना है, हमने ये छः बना लिए हैं और देखिए यहाँ पर इस तरह से बना है हमारा। अब हम फिर से सात चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन बनाई है। देखिए इसे हम छोड़ेंगे और नीचे वाले में हम बनाएंगे इस तरह से, सेकंड में बनाना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से हम सात बार बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बार बनाया। फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पर इसमें छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, एक दो तीन, दो चेन और फिर से हम यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन, सात चेन बनाएंगे, सात चेन हो गई हमारी और फिर से हम इसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर से हम यहाँ पर सात बार बनाएंगे, एक दो
तीन, चार, पाँच, छः, सात। फिर हम यहाँ पर धागा लेंगे और छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। और बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रोंग साइड में आएंगे। तो यहाँ पर हम छः डबल क्रोशे की कली बनाएंगे, दो चेन लेंगे और छः डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था। देखिए जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, सेम ऐसे ही हम रोंग साइड से हम ऐसे बनाएंगे और सीधी साइड से हम इस तरह से बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए लहंगा हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये लहंगा बना है। अब हम इसके लास्ट राउंड पे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा धागा कंप्लीट हो गया था पैटर्न, तो हमने यहाँ पर इसे धागे को कट किया है। और यहाँ पर मैंने आपको दो पैटर्न बनाना सिखाया था, तीसरा पैटर्न हमने सेम ऐसे ही बनाया है जैसे हमने ये दो राउंड बनाए हैं, सेम ऐसे ही बनाया है। अब हम इसके लास्ट में हैं, लास्ट में हम इस पर किनारी बनाएंगे। तो वो किनारी हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया है एक, यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा ज्वाइंट किया। अब हम यहाँ पर छः पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर धागे को इस तरह से देखिए ज्वाइंट करेंगे। ये बाद में हमारा जब हम यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे तब ये सही हो जाएगा। अब अगर ऐसे आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने पाँच बना लिया। अब फिर से हम पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चेन बनाई है। और ये छः डबल क्रोशिया है हमारे, तो इन तीन तीन हम यहाँ रखेंगे, तीन यहाँ पर, और बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पाँच चेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बनाया। फिर हम यहाँ पर देखिए इस पैटर्न के यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, फिर से पाँच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर हम इन तीनों छः डबल क्रोशे के बीच में यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से हमारा ये ज्वाइंट होगा और बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमारी ये वन चेन है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक, दो चेन लेंगे, टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड में आ गए हैं हम इसके। अब हम यहाँ पर देखिए एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम धागा लेंगे जो हमने ये पांच चेन बनाई थी, इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाई है। देखिए जो हमारा लूप है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच में ये हमने दो चेन बनाई थी, जो हमारे ये छः डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर हमने ये देखिए दो चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, तीन चेन बनाने के बाद, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाई है। फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए सेकेंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर से एक, दो, तीन चेन लेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम देखिए फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस हो गया, तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। पहले लूप में हम इसे ज्वाइंट करेंगे, फिर से एक, दो, तीन, फिर हम दूसरे लूप में ज्वाइंट करेंगे, फिर हम तीन चेन लेंगे और हम धागा लेकर फिर से यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है
देखिए सीधी साइड से हमारा कुछ ये इस तरह से आएगा, बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया, इसे हम टर्न करेंगे और देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड बना है। अब हम इसमें आगे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक चेन लेंगे, फिर से सेम प्लेस पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से वन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से वन डबल क्रोशिया, ये 10 डबल क्रोशिया हैं हमारे, इनके अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे बीच में। देखिए इस तरह से एक चेन ली, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, तो ये हमारे पास 10 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम इसी तरह से एक एक चेन, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लिया, देखिए यहाँ पर बीच में हम इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाए, एक चेन लेनी है, फिर से एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, पूरा राउंड देखिए हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और देखिए जो यहाँ पर आएंगे 10 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना, फिर एक चेन लेंगे और हमें ये 10 डबल क्रोशिया बनाना है, बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है, अब हमने एक चेन बनाई है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे, वाइट धागे का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम ग्रीन कलर से इसके ऊपर किनारे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा राइट साइड है, राइट साइड में हम धागा ज्वाइंट करेंगे ग्रीन। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, उससे पहले हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया के अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने धागा ज्वाइंट किया है। अब देखिए ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर जो स्पेस है, देखिए आपको स्पेस दिखाई देगा, यहाँ पर हम जाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो लूप आ गए हैं, एक दो, दो बन गए, एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, इन दोनों धागों को हम इस तरह से उठाएंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर फिर हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके बीच में जो हमने एक चेन ली थी इसके अंदर फिर हम इन्हें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से दो धागे आ गए हमारे पास, अब हम इसमें एक दो तीन चेन लेंगे, इन दोनों धागों को हम उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने एक एक चेन ली थी इसमें हमने देखिए ये बनाना, एक दो तीन, फिर हम इन दोनों धागों को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर दो धागे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन, फिर से देखिए इसी तरह से हम किनारी बना लेंगे। यहाँ तक हम देखिए किनारी बनाकर लेकर आते हैं, ये यहाँ तक देखिए बना लिया है हमने, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने ज्वाइंट किया था सिंगल क्रोशे से, तो हम देखिए इस तरह से बना हुआ है हमारा और हम इसे यहाँ पर बीच में हम इसके साथ सिंगल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे
सॉरी धागा नहीं लेंगे, फिर हम ऐसे ही बिना चेन बनाए धागा लिए हम बीच में आएंगे सेकंड चेन के अंदर, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, फिर हम इन दोनों धागों के साथ सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से एक दो तीन सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए लहंगा हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।